देखिए, जो कल डोडा के जंगलों में हुआ, उससे पहले जैसे आपने कहा कुठवा में हुआ, रियासी में हुआ, तो ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें जो हमारे जवान, जिसमें कल भी एक उसमें मेजर था, उससे पहले जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी था, बहुत यंग लोग होते हैं, वहाँ से अपनी ड्यूटी करने के लिए आते हैं और यहाँ अनफॉर्चुनेटली दे हैव बिकम द फॉडर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इंसिडेंट्स उस इलाके में हो रहे हैं जहाँ कभी मिलिटेंसी का नामो निशान ही नहीं था। जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे। और अफसोस ये है कि देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल। से ये क्या कर रहे हैं, 6 साल से यहाँ लोग क्यों मारे जाएं? नॉर्थ कश्मीर में 6 साल इनकी हुकूमत के बावजूद क्यों लोगों ने प्रेफर किया उस आवाज़ के पीछे खड़ा होना जो यहाँ राय शुमारी पेल्बिस है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करती है, बजाय इसके कि वो जो नेशनलिस्ट फोर्सेज वहाँ लड़ रहे थे उनके साथ खड़ी है। इनकी नाकामी नहीं है, अब ये अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। दे वॉन्ट हाइड बिहाइंड मेन स्ट्रीम एंड रीजनल पार्टीज, अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं।